हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैं गुजरात में आया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैं आपको लिए कुछ वीडियो शूट करने वाला हूँ। सो आज यहाँ पे दोस्तों डेमो लगा है और यहाँ पे एकदम अल्टीमेट सेटअप है। मेरे पीछे आप देख सकते हो, अभी आपको खाली ऐसे दिख रहा है, मैं पास से जाके दिखाऊंगा। ऑन एन एवरेज 50 लाख के आसपास का सेटअप है। सो पूरे कनेक्शन देखने वाले हैं, टेस्टिंग देखने वाली है कि यहाँ पे किस तरह से हमारी जो लाइट्स हैं और जो हमारा जो साउंड है वो कैसे परफॉर्मेंस है, उनकी क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। और प्रॉपरली आपको सारी डिटेल में वीडियो बताने वाला हूँ। जो ब्रांड्स हैं हमारे यहाँ पे, पोप है, ATI प्रो है लाइट्स वगैरह में। सो काफ़ी मज़ेदार वीडियो है। एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी एग्जीबिशन की, कि जैसे कि गुजरात में एक्सपो लगा था तो यहाँ पे एक हॉल के अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट्स लगे थे, काफ़ी मल्टीपल ब्रांड्स थे, उनकी विद प्राइस के आसपास मैंने आपको वीडियो दी थी। और यहाँ पे डेमो दिखाने वाला हूँ कि इसका प्राइसिंग मैंने आपको एवरेज बता दिया, लेकिन यहाँ पे कनेक्शंस वगैरह कैसे सेटअप किया हुआ है, कौन से स्पीकर से क्या है, वो सब बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी टाइप की वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ, ट्रैवल करता रहता हूँ। सो पीछे यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हो। सो फटाफट से चलते हैं, वीडियो को देखते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो भैया हैं, इन्होंने सेटअप लगाया हुआ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए एग्जीबिशन में। सो यहाँ पे इधर आप सेटअप का ओवरव्यू देख सकते हो इधर। सो यहाँ पे लाइट्स अभी थोड़ी ऑन करवाइए क्योंकि अंधेरा होने वाला है, ताकि आपको टेस्टिंग लाइट्स के अच्छे से पता लग जाए। सो अभी भैया से पूछेंगे यहाँ पे कौन कौन से हमने प्रोडक्ट्स यूज़ करे हुए हैं और कौन कौन से यहाँ पे सेटअप लगाए हुए हैं, और कनेक्शंस वगैरह थोड़े देख लेते हैं, देन आपको फिर टेस्टिंग दिखाऊंगा। तो हाँ जी भैया, हम स्टार्ट करते हैं। भैया, यहाँ पे जो हमारे सेटअप पूरा लगा हुआ है, इसमें कितने स्पीकर से हमारे कितने सेटअप लगे हुए हैं पूरे? देखो भैया, यहाँ पे है ना, जो सेटअप लगाया हमने, हाँ जी, दो बेस दो लाइनर है, दो बेस दो लाइनर है, सेटअप ऐसे ही लगाए वहाँ। तो आप देख सकते हो इधर से हमारा, ये हमारे दो बेस, ये 18 इंच है, दो बेस दो लाइनर है, और पूरा सेटअप ATI प्रो के एम्पलीफायर पे है। और इधर आप एम्पलीफायर देख सकते हो, ATI प्रो के इधर है हमारे, ये अभी अपना जस्ट नया मॉडल ATI प्रो का, हाँ जी, मिड के लिए, ये आप देख सकते हो। अभी कनेक्शंस भी आपको दिखाऊंगा, पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि अच्छा भैया, इसमें स्पीकर्स कौन कौन से लाइनर है, उनको मैं फ्रंट से दिखा देता हूं। जी भैया, तो कैबिनेट भी आप देख सकते हो, थोड़ा अंधेरा हो गया है लेकिन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। हाँ जी सर, ये सारी लाइनर में ATI प्रो का YX 350 फेराइट स्पीकर है, 500 वाट का। अच्छा जी, YX 350 हो गया फेराइट में, ठीक है जी भैया। और ये बेस भी आप देख सकते हो, यहाँ पे ATI प्रो का ही है। बेस में सर YX LF 351, ठीक है, LF 351 हो गया, सॉरी 451। अच्छा 451 जी, है LF 451। तो इसमें मिड में 351 है, तो अंदर और बेस में 451 है, ठीक है भैया। सो ये 4HF हो गई अपनी, 4HF वाला है, ये 2HF के लिए। हाँ जी, तो ये भी अपना लाइनर है, ठीक है। तो भैया इधर वाला हमने देख लिया, और स्पीकर कितने कितने वोल्टेज के भैया? ये 1500 वाट। अच्छा, बेस में 1500 वाट, स्पीकर 500 वाट, ठीक है, सिंगल स्पीकर बता रहा हूँ 500 वाट का है ना? जी जी जी। ओके, तो कुछ यहाँ पे इस टाइप से मिलता है, इधर की सेटअप देख सकते हो। तो भैया इधर के हिसाब से सेटअप लगाया हुआ है अपना भैया, ये 21 इंच है ड्यूअल, 2500 वाट, अभी जो नया मॉडल आया है ATI प्रो का, 2160 है इसके अंदर, ये आप देख सकते हो 2500 वाट का है। और ये यहाँ पे दो बेस लगाए हुए हैं ऊपर, कुछ यहाँ पे इन्होंने सेटअप कर रखा है, और यहाँ पे लाइनर आ गए हमारे, ये लाइनर HDL 20 ड्यूअल 20 ड्यूअल 10 के हैं जी भैया, ATI प्रो के हैं। इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है भैया, कितने वोल्टेज के हैं? 600+600 है, 600+600, और 150 वाट के नियोडियम HF है, ठीक है, टोटली नियोडियम सीरीज है, ठीक है। और भैया ये पोप वाले जो आपने लगाए, पोप के ड्यूअल है भैया, इसमें कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी? LD 218 मॉडल है, 1200 वाट, 2500 वाट का एक बेस है टोटल, एक बेस 2500 वाट का ड्यूअल, ड्यूअल है, ठीक है। इधर भी सेम ऐसा ही सेम है भैया। और यहाँ पे लाइनर कौन से? ये HDL 20 ATI प्रो की है, ड्यूअल 12 है, ये 600+600 है, और 150 वाट, ठीक है, ओके। और यहाँ पे कुछ ऐसा सेटअप कर रखा है, तो थोड़े में आपको एम्पलीफायर दिखाता हूँ और फिर लाइट्स के ऊपर आएंगे। तो भैया एक बार एम्पलीफायर हमने वहाँ पे दिखा दिए जी भैया, ATI प्रो के एम्पलीफायर के ऊपर भैया क्या क्या रन हो रही है चीज़ें भैया? ये लाइनर लगी हुई है, अभी जो हमने ये दो एम्पलीफायर दिखाए थे जी भैया, लाइनर लगी हुई है और बेस लगे हुए हैं SP7000 पे। अच्छा जी भैया, तो भैया कितने बेस लग रहे हैं इसके ऊपर? 7000 के ऊपर दो बेस लगे हुए हैं। कौन से वाले? ये वाले 18 इंच LF 451, ठीक है। सो इसके ऊपर दो बेस लगे, और इसके ऊपर भैया लाइनर लगी है। अच्छा, चार लाइनर लगे हुए हैं, और डुअल का एम्पलीफायर है तो आप चार देख सकते हो भैया, ये वाले लगी होंगे ना जी भैया। अच्छा, और बाकी भैया कैसे चल रहे हैं वो जी भैया? ये इसके ऊपर चार लाइनर लगी हुई है ना, ठीक है, चार इसके ऊपर, और ये थ्री वे के लिए HF इसके ऊपर लगी हुई है सारे स्पीकर। अच्छा, HF और आपने उसका अलग कर रखा है? हाँ, थ्री वे करके रखा है भैया, ठीक है जी भैया, ओके। और भैया जो इधर वाला सेटअप है इसका क्या है, कैसे चल रही है? इसमें भी भैया देखो, NX ऑडियो के पावर एम लगे हुए हैं, सो इसके अंदर 1601 NX ऑडियो के एम्प लगा रखे हैं जी भैया, ये आप देख सकते हो। तो सारे कनेक्शंस को ऐसे कर रखे हैं, और क्रॉस ओवर वगैरह सारे भैया यूज़ कर रखे हैं अपने जी भैया, DBX 260 लगाया हुआ है, और वो NX का एम्पलीफायर हो गया। तो भैया ये कैसे चल रहे हैं, मतलब कौन से उसके ऊपर कौन सा बेस चल रहा है उधर पोप का?
देखो भैया एनएक्स ऑडियो है ना उसके ऊपर ये MT-1601 पे 21 इसके चल रहे हैं भैया, तो पावर्ड है सर। अच्छा वो एक्टिव है ना? हाँ जी ठीक है, पावर्ड है। चलो और लाइनर भैया? लाइनर है बस भैया, ऐसे इसके ऊपर HD80 पर सारे लाइनर है, ऑडियो के इस पे लाइनर चल रहा है जी भैया। ठीक है, बाकी ऐसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है तो आपको दोस्तों ओवरव्यू देना था कुछ इस टाइप का सेटअप है पे। अब लाइट्स के ऊपर आते हैं भैया, लाइट्स में हमने क्या क्या लगा रखा है? लाइट्स भैया सारी 88 प्रो की है, ए टू जेड। एक 20R है, देखो भैया ये 20R है, वो 12R है, ये आपकी 20R हो गई। सर ये ब्लाइंडर भी 88 प्रो के हैं, यहाँ पे कोई भी ब्रांड का नहीं है, ए टू जेड मटेरियल 88 ब्लाइंडर आप देख रहे हो। और भैया ये 12R आपने बताई जी भैया, लास्ट में 9R है अपनी, और उधर आपकी लास्ट में 9R हो गई जो आपको ये दिख रही है, ये आप देख सकते हो। सो आपकी कंफर्मेशन के लिए मैं दिखा दूँ, देखो फ्लाइट केसेस इधर है ठीक है, और यहाँ पे लेज़र है भैया। लेज़र कितने वॉट्स की है? ये देखो भैया लेज़र 20W की है ग्रीन, 20W की है ठीक है, ये 20W ग्रीन है, ये भी 20W, ये 20W ग्रीन है, ये 10W RGB है। अच्छा ये RGB में है, 10W की? हाँ जी 88 प्रो की ये भी जी भैया। हाँ जी, और वो 10W ग्रीन वो भी 88 प्रो की, वो 10W ग्रीन है ठीक है। और ये शार्पीज में आपको यहाँ से देखो पास से दिखा देता हूं, 9R और 12R है, 12R है और आगे 20R ठीक है, और कुछ ऐसे बना हुआ है इधर सिस्टम, सो कुछ ऐसा सेटअप बनाया हुआ है और ट्रस वगैरह लगा रखे हैं, तो नीचे कुछ ऐसे देखो यहाँ पे पैटर्न्स हैं। अभी टेस्टिंग में आपको थोड़ा दूर बाहर जाके देखिए भैया 88 प्रो का स्मोक मशीन है, अच्छे से मज़ा आने वाले सेटअप में, स्मोक मशीन 88 प्रो का ही है, और यहाँ पे फॉग मशीन आप देख सकते हो, मतलब लाइटिंग टोटली 88 प्रो का है, 88 प्रो का है। ये प्रीमियम है, इको वाला नहीं है, 1500 प्रीमियम, इकोनॉमी उस तरफ है, प्रीमियम इस तरफ है, इको वाला उधर है, तो कुछ इस टाइप से सेटअप है। अच्छा भैया लाइट्स का जो हम कंट्रोल कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है कंट्रोल? देखो भैया सो इधर आप देख सकते हो, देखो लाइट में हमारे नीलेश भाई ऑपरेटिंग कर रहे हैं। हाँ जी, कल कंट्रोलर छे MA2 पर ठीक है। सो इधर कुछ देख सकते हो आप, ओके। सो दोस्तों ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिखा दिया सेटअप का, जैसा यहाँ पे देखो बना हुआ है। अभी मैं थोड़ा दूर जाके ना आपको जो है NCS वाले सॉन्ग्स पे थोड़ा टेस्टिंग दिखाऊंगा, ताकि कॉपीराइट ना आ जाए। कॉपीराइट वाले अगर आपको टेस्टिंग देखनी है ना, मतलब थोड़ा दूसरे सॉन्ग्स पे, तो मैं एक अलग से वीडियो डाल दूंगा टेस्टिंग की, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको चेकआउट कर लो। इसके अंदर मैं आपको NCS पे टेस्टिंग दिखाने वाला हूँ, और भी इसकी 2-3 जो टेस्टिंग है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, प्लीज़ उसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और जो भी एग्जीबिशन की सारी वीडियोज़ है यहाँ पे आनंद गुजरात की, उसको भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो दोस्तों अब मैं आपको एक और टेस्टिंग दिखाता हूँ, लेकिन मैंने अपना यूट्यूब का सॉन्ग दिया है जो नॉन कॉपीराइट होता है, तो उस पर भी एक बार देख लेते हैं भाई क्या रिस्पॉन्स रहने वाला है। Thank you.
दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप सभी को ये पूरा सेटअप दिखाया। आनंद गुजरात में आया था मैं, अभी काफ़ी सारे आगे भी प्लान्स हैं यहाँ पे आके वीडियो शूट करने के। सो मेक श्योर डैट अगर आपको दोस्तों प्लीज़ वीडियो पसंद आई हो यार, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी तो मैं आप सभी के लिए इस टाइप की वीडियोज़ बनाऊंगा। और थोड़ा वीडियोज़ में भी चेंजमेंट लाने वाला हूँ मैं, लाइक व्लॉगिंग टाइप की वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। मतलब अपना जो डीजे से रिलेटेड कंटेंट रहेगा लेकिन थोड़ा अब चेंज हो जाएगा जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है ना उसके अंदर। सो अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ दोस्तों लाइक करना मत भूलना। मैं आप सभी के लिए ऐसी वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। सो दोस्तों मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।